नमस्कार, नीमच आप देख रहे हैं प्रदेश चलचल में हूं आपके साथ। मैं एजे नीमच शहर के मेहनत नगर में जो कॉलोनी काटी गई थी उसको लेकर मेहनत नगर के रहवासी जो लामबद्ध होकर आज कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंचे, जहां पर अपर कलेक्टर सहित जिला पंचायतों को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि किस प्रकार से वहां पर बगीचे के लिए जो भूमि आरक्षित की गई थी वहां पर अवैध रूप से प्लाटों की खरीदी बिक्री की गई। वहां पर जो मनासा के कोई एक व्यापारी उन्हें प्लाट बेचा गया और मेहनत जो उनके द्वारा कॉलोनी वासियों के साथ धोखाधड़ी की गई। पूरे मामले में उनका कहना है कि पूरे मामले में निष्पक्ष जांच करी जाए, साथ गार्डन से लगाकर पार्किंग की जो जगह रखी गई उसको पूरी तरीके से खरीद फरोख्त किया जा रहा है, जिसको लेकर रहवासियों ने आक्रोश व्यक्त करा और कहा कि पूरे मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम लोग मेहनत नगर के रहवासी हैं और मेहनत नगर शुरू से विवादों में इसलिए है क्योंकि उसके कॉलोनाइजर ने वहाँ की बगीचे की जमीन, पार्किंग की जमीन, उसके अलावा जो नगर पालिका ने बंधक प्लाट रखे वो तक बेच दिए हैं। और अभी जो करंट मुद्दा ये है कि जो गार्डन के लिए आरक्षित जमीन थी वो जमीन पे मनासा के एक व्यवसायी, प्रॉपर्टी व्यवसायी हैं जो बिल्डर भी हैं, वो अपना कार्य करते हैं, उनने आके कब्जा करने की कोशिश की तो हम लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन लिया है, उसका आवेदन हम यहाँ देने आए थे। और दिया क्या चाहते हैं आप लोग? हमने आवेदन दिया है कि ये चूंकि बगीचे के लिए आरक्षित है तो इसे कब्जा नहीं होने दिया जाए और इसकी हमने सूचना अभी दे दी है और आगे भी अगर जरूरत पड़ी तो हम उसके लिए संघर्षरत रहेंगे। कागजों में जमीन क्या दिखाई गई, क्या लगता है फर्जी तरीके से बेचने का? कागजों में उसको गार्डन की जमीन दिखाई गई है और पूरी कॉलोनी में दो गार्डन और दो जगह पार्किंग बता रखी है जो लगभग 25,494 स्क्वायर फीट के लगभग जमीन है और वो कहीं से कहीं तक इतनी जगह नजर नहीं आती है। अभी क्या बोला अंदर अधिकारी ने? अधिकारियों ने बोला है कि हम नगर पालिका के साथ मिलकर और एक समिति गठित करेंगे जो इसके ऊपर कार्रवाई करेगी।